ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्पिरिचुअल मंथन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 39वें, 40वें और 41वें श्लोकों का वर्णन करेंगे, जो इस प्रकार है। आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूरेणानलेन च। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस प्रकार शुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा का ज्ञान कामरूपी नित्य शत्रु द्वारा ढका हुआ रहता है, जो कभी भी तुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह नित्य जलता ही रहता है। अतः अज्ञानी मनुष्यों को कामरूपी शत्रु ज्ञान की अनुभूति नहीं होने देता है, और पूर्ण ज्ञानी मनुष्य वही है जो प्राप्त वस्तुओं में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्यादिष्टानमुच्यते एतिर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिना। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान होते हैं। इस प्रकार से कामनाएं ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती हैं, जिसके प्रादुर्भाव से बड़े ज्ञानी भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तस्मात्वम इंद्रियाणादो नियम्य भरत श्रब पापमानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं का बलपूर्वक समापन करो।